तो ब्रिलियंट नॉलेज के यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत है। देखिए इस क्वेश्चन क्या है, इसको समझिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करते चलिए। देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन है कि नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी, कब, डेट बताना है आपको, कौन सा लिपि, नागरी लिपि, नागरी लिपि कौन सा, ये जो को खो गो घो देख रहे हैं ना अक्षोत्रोग्यों, ये नागरी लिपि है और नागरी लिपि में ही हिंदी को लिखा जाता है। यहाँ पे समझिए हिंदी एक भाषा है और इस हिंदी भाषा को हम लोग कोखो गो में लिखते हैं, ये जो कोखो गो है अक्षोत्रोग्यों तक ये नागरी लिपि है, इसी को देवनागरी लिपि भी बोलते हैं, इसको भी इसी को नंदी नागरी भी बोलते हैं। तो बोलता कि ये सर्वदेशिक लिपि था, सर्वदेशिक मतलब पूरे देश में ये लिपि पाया जाता था, पूरे देश के लोग इसको इस लिपि का प्रयोग करते थे, इसको सर्वदेशिक लिपि बोलेंगे। तो कब था ये सर्वदेशिक, ये इस बात को हमें उत्तर में बताना है। देखिए उत्तर में, नागरी लिपि किसी नगर विशेष की लिपि नहीं थी, नगर मतलब होता है शहर या इसको जगह के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ कह रहा है कि ये जो नागरी लिपि है ये किसी विशेष शहर या किसी विशेष जगह का, केवल छोटे से एक क्षेत्र का, छोटे से एक शहर का लिपि नहीं था। आगे पढ़ोगे कि बल्कि ये पूरे देश में इसका प्रयोग होता था। आगे देखिए, क्योंकि ईसा की, यानी ईसा का मतलब ईसवी की, आठवीं से ग्यारहवीं मतलब 820 के ये, 840 के ये, 940 सब ईस्वी में सदियों में हम नागरी लिपि को पूरे देश में व्याप्त देखते हैं, पूरे देश में मौजूद देखते हैं। कब से? आठवीं से ग्यारहवीं सदी के बीच। आठवीं का मतलब 800 कुछ और ग्यारहवीं का मतलब 1100 कुछ। उस समय ये एक सर्वदेशिक लिपि थी, देश भर से नागरी लिपि के बहुत सारे लेख मिले। लेख का मतलब क्या होता है समझिए, कोई भी चीज़ लिखा हुआ है ना उसको लेख बोलेंगे। यही जो उत्तर लिखा हुआ है ना, इसी उत्तर को भी आप लेख बोल सकते हैं, मतलब लेख का मतलब लिखावट। यानी पूरे देश भर से नागरी लिपि के कई लेख मिले, वो जो लेख मिले वो लेख किस लिपि में था, नागरी लिपि में था। हो सकता है वो हिंदी भाषा में हो, संस्कृत भाषा में, क्योंकि संस्कृत भाषा को भी नागरी लिपि में लिखा जाता है, हिंदी को भी नागरी लिपि में लिखा जाता है। नागरी का मतलब कोखो गो में लिखा जाता है, हिंदी और संस्कृत दोनों को। वही अंग्रेजी को रोमन में, ABCD में लिखा जाता है, रोमन लिपि में। इस नागरी लिपि के उदय, उदय का मतलब उत्पन्न होना, पैदा होना, तो इस नागरी लिपि के उदय के साथ साथ, उत्पन्न होने के साथ साथ भारतीय इतिहास, मतलब भारत का इतिहास, भारत का अतीत बीता हुआ दिन, वो संस्कृति मतलब हम लोगों का रीति रिवाज कि एक नए युग की शुरुआत हुई, एक नए युग, एक नए काल, एक नए समय का शुरुआत हुआ। किसके उदय के साथ साथ? नागरी लिपि अर्थात देवनागरी लिपि के उदय के साथ साथ। तो यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।